हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की वेरी फेवरेट रेसिपी, जो कि है आलू के चिप्स। ये आलू के चिप्स जो हम बनाने वाले हैं, ये हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। मार्केट में जो चिप्स अवेलेबल रहते हैं उसमें तो बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, पर ये एकदम हेल्दी हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए हमें जो आलू चाहिए, मार्केट में आप ले सकते हैं चिप्स के आलू बोलकर, और ये साइज बड़ा रहता है और थोड़े लंबे रहें तो अच्छा रहेगा। तो इनको मैंने छील कर और अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो कर रखा है। अब ये आलू लेकर इस तरह से चिप्स मेकर रहता है, सभी घरों में ये अवेलेबल रहता है, इनसे हम इस तरह से आलू की चिप्स तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम आलू के चिप्स तैयार करेंगे और इन्हें अच्छे से पानी में भिगो देंगे, अदरवाइज आलू हमारे काले पड़ जाएंगे। इस तरह से और बना लेते हैं। इस तरह से हमने आलू के चिप्स बना लिए हैं। आपके पास जैसा चिप्स मेकर है उस हिसाब से आप थिकनेस डिसाइड करते हैं। मैंने काफी पतले रखे हैं, लेकिन आप देखिए ये पानी कितना गंदा है, इसलिए आलू को हमको 2-3 बार अच्छे से वॉश करना पड़ेगा और इन्हें पानी में भिगाकर हम 1 घंटा रखेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने आलू अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इन्हें भिगा के रखेंगे, लेकिन इसके लिए और कोई फिटकरी या और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे आलू के चिप्स अच्छे से भीग चुके हैं, देखिए ये स्टिफ हो गए हैं। इनको अच्छे से वॉश करना और भिगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें जो स्टार्च है वो अच्छे से निकल जाएगा। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमने गैस में पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है, उसमें अब मैं 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि चिप्स व्रत में भी खाए जाते हैं इसलिए मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। अब हमारी ये जो आलू के चिप्स हैं, पानी बॉईल हो चुका है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। पानी अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप चिप्स डालें। पांच मिनट हो चुके हैं आलू के चिप्स उबलते हुए। अब हम इस तरह से इसको चेक करके देखेंगे, ये थोड़े से दब जाने चाहिए। अगर देखिए ये दब गए, थोड़े से ब्रेक भी हो गए हैं। अब हमारे आलू के चिप्स हो गए हैं। अगर आलू के चिप्स उबलने में कच्चे रहेंगे तो जब सूखेंगे तब काले पड़ जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए इन्हें अच्छे से 5 से 6 मिनट बॉईल करिए। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा कलर चेंज भी हुआ है आलू के चिप्स का। इस तरह से ये देखिए, ये थोड़े से दब रहे हैं। अब आलू के चिप्स थोड़े ठंडे हो गए हैं। हम इस तरह से कपड़े में इसे अच्छी कड़क धूप में सुखाएंगे। आप कोई भी ओल्ड बेडशीट ले सकते हैं। इस तरह से एक करके, अगर अलग अलग सेपरेट करके नहीं सुखाएंगे तो ये चिपक जाएंगे और तलने में प्रॉब्लम आएगी। इस तरह से हम सबको सुखा देंगे। तो इस तरह से हमने अपने सारे चिप्स सुखा लिए हैं, और कम से कम 2 दिन का कड़क धूप तो इनको लगना ही चाहिए। सूखने के बाद ये थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए कितने पतले चिप्स बने हैं। 2 दिन कड़क धूप लगने के बाद हमारे चिप्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे। देखिए इनका साइज छोटा हो गया है, ये श्रिंक हो गए हैं सूखने के बाद, और इनकी थिकनेस देखिए। लेट्स फ्राई देम। तो लीजिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं हमारे, और एकदम वाइट चिप्स बने हैं। इसमें हमने फिटकरी का उपयोग नहीं किया है। तो देखिए हमारे चिप्स फ्राई होने के बाद कितने टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग लग रहे हैं, कितने क्रिस्पी हैं। अब हम इसमें थोड़ा मसाला मिलाएंगे, थोड़ा सौंफ पाउडर, थोड़ा मिंट,
थोड़ा सा सेंधा नमक, रेड चिली पाउडर। लीजिए, हमारे क्रिस्पी चिप्स तैयार हैं। हम इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।